आज हम आपको लौकी के कोफ्ते बनाना बताएंगे, जिसके लिए जो आवश्यक सामग्री है 250 ग्राम लौकी जो हमने कद्दूकस कर ली है, 4 प्याज और 4 हरी मिर्च का पेस्ट, 4 टमाटर का पेस्ट, 1 बाउल बेसन, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार। अब लौकी में बेसन मिला देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च आधी और इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब बेसन और लौकी का घोल तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, तेल गरम कर लेंगे। अब बेसन और लौकी की छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम तेल में तल लेंगे। हम गैस पर इनको सेकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। इन्हें हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी की बची हुई पकौड़ियों को भी हम सेक लेंगे। अब इस तेल में हम जीरा डाल देंगे। जीरा भूनने के बाद हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसमें हम हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला डाल देंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ने लगे। मसाला भून के तैयार हो चुका है। इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। और 5 मिनट के लिए भूनने के लिए रख देंगे। अभी टमाटर का पेस्ट भून के तैयार हो गया है। हमने कुछ पकौड़ियों का पेस्ट तैयार कर लिया था, जिससे सब्जी में पकौड़ियाँ अलग और पानी अलग ना दिखाई दे। पेस्ट के थ्रू हम ग्रेवी बना लेंगे। और इसमें बाकी की बची हुई पकौड़ियाँ भी डाल देंगे। पकौड़ियाँ डालने के बाद कढ़ाई में 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब 1 मिनट बाद हमने सब्जी को चलाया और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और फिर इसको ढककर रख दिया। 5 मिनट बाद प्लेट हटा देंगे। अब लौकी के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम एक बाउल में कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर
हरा धनिया डाल देंगे और इसे रोटियों के साथ गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे।